अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलातु वसलामु अला أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم पाक नबी दे पाक सहाबा पाक नबी दे पाक सहाबा जन्नत दे विच जावण गे जन्नत दे विच जाके ओ खुशियां ईद मनावण गे पाक नबी दे पाक सहाबा तुसी कहना जन्नत विच जावणगे पाक नबी दे पाक सहाबा जन्नत दे विच जावणगे जन्नत दे विच जरा गज के बोलो हाँ जन्नत दे विच पाक नबी दे पाक सहाबा जन्नत दे विच जावण गे ओ देख जाना दी कुर्बानी देख जाना दी कुर्बानी जन्नत दी ओ निशानी रब रसूल रब रसूल राजी करके उच्चे रुतबे पावण गे पाक नबी दे पाक सहाबा जन्नत दे विच जन्नत दे विच जन्नत दे विच जन्नत दे विच जावण गे जन्नत दे विच जावण गे दीन दी खातर वतन सी छड़िया दीन दी खातर वतन सी छड़िया मार के जालम घरां चों कढ़िया मार के जालम घरां चों कढ़िया जालम जुल्म कमावण वाले अगे मारा खावण गे पाक नबी दे पाक सहाबा जन्नत दे विच जन्नत दे विच जावणगे
जन्नत दे विच जावणगे। मौजूद सामेईन हजरात, दोस्तों, बुजुर्गो, भाइयो, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बहुत बड़ा एहसान है कि जिस माल के अर्दो समान है सानू इस पाक महफल अंदर अजमते सहाबा कॉन्फ्रेंस अंदर अल्लाह ने सानू बैठन दी तौफीक अता फरमाई। दुआ करो अल्लाह ताला अज दा मिल बैठना सुनना सुनाना अल्लाह अपनी बारगाह अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। दुआ करो जिन्हें मेरे दोस्तों ने भाइयों ने अज की इस महफल नू करवाया और मेरे प्यारे भाई फजीलत शेख इस मस्जिद के इमाम खतीब हज़रत मौलाना अतीकुर रहमान यजदानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और इन्हों के दीगर रुफाका जिन्हों के मैं नामा तो वाकफ नहीं। दुआ करो अल्लाह ताला अज की इस महफल नू अपनी बारगाह अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। माशाल्लाह मेरे तो कबल तुसी नौजवान दोस्त मेरे प्यारे भाइयों के बयान सुने ने और इंशाल्लाह मेरे तो बाद मनादरे इस्लाम महबूब अवाम खतीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना हाफिज अब्दुल हक हकानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला इंशाल्लाह बड़ा जानदार शानदार खिताब होने वाला है। हजरात मेरी चंद मिनटों की गुफ्तगू है, तवज्जो मेरी तरफ करके बैठनी है। मैं थोड़ा मेहमान भाई हाँ, पहली दफ़ा गुफ्तगू करन दा मौका मिले। इंशाल्लाह मैं अजम ते सहाबा दे उनवान ते चंद गुजारशात थोड़े सामने पेश करांगा और जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा की गुस्ताखी की और उन्हों का मैं अंजाम बयान करांगा थोड़े सामने इंशाल्लाह। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान कर दिया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तसुब्बु असहाबी। लोगों नबी दे सहाबा नू बुरा भला ना कहो, नबी दे सहाबा नू मंदा ना बोलो। जिहड़े लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा नू मंदा बोलते ने फरमाया उन्हां ते अल्लाह दी भी लानत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी भी लानत। हजरात हयातुल हयावान अंदर बात मौजूद है, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते ने खरासान का इलाका है, खरासान के इलाके का असी सफर करते आ रहे हैं। सड़ल एक नौजवान है जिहड़ा हजरत अबू बकर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो नू गालियां देंदा है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते ने कि असी उस नौजवान नू आखिया बाज आ जा, नबी दे सहाबा नू मंदा ना बोल। लेकिन वह नौजवान बाज ना आया, बार बार गालियां निकाल दे। एक दिन उसने नाश्ता किया, उठिया ते कज़ाए हाजत जाके बैठता है। आसमान तो अल्लाह पाक ने पूंडियां का एक छत्ता गिराया, वह पूंडियां उस नौजवान नू चंबड़ जांदियां ने, उहदे जिस्म दे विच्चों मांस नोच नोच के उन्हां पूंडियां ने खा लिया, हड्डियां अलहदा कर दित्तियां ने। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते ने कि असी आखिया वह अजे तक नौजवान वापस नहीं आया, पता नहीं की गल बन गई। उन्हें एक दोस्त नू कलिया जा पता करके आ, वो जाके देखता है उन्हों पूंडियां चंबड़ियां ने, और डरदा होया घबरांदा होया वापस आ जाता है। आण के कहिंदा उन्हों ते पूंडियां चंबड़ियां ने, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमांदे ने आखदे ने सी चंद दोस्त कट्ठे होके गए, जाके देखिया वाकिया उन्हों पूंडियां चंबड़ियां ने।
ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂੰਡੀਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਲੱਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੂੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਛੱਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕੋ, ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੋ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਵਰਗਾ ਈਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਤਦ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਸਹਾਬਾ ਵਰਗਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਇਦਾ ਕੀਲਾ ਲਹੁਮ ਆਮਿਨੂ ਕਮਾ ਅਨੁਮਿਨੁ ਕਮਾ ਆਮਨ ਸੁਫਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਵਰਗਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆਓ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਵਰਗਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਈਏ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਈਏ? ਉਹ ਲੋਕੋ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਸਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ, ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂਹੀਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਪੜੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆ ਟੇਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਇਮਾਮ ਖਤੀਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਗੁਫਤਗੂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਟੇਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਉਣ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੌਣ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਸੌਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੱਖੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ, ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂਹੀਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂਹੀਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜੰਨਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜੰਨਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਬਾਰ ਦੀਨ ਉਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ, ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ, ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਬਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨੀ ਡੋਲਿਆ, ਅਬਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨੀ ਡੋਲਿਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਬਿਲਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ, ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ, ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਅਸਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਸਮਤ ਹੈ! ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਵਰਗਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆਓ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਵਕੂ
बेवकूफा की तरह ईमान ले आईए। और यारो अज को किसी ते अल्जाम लगाए, किसी का दिफा ओदा वालद करदा, किसी का दिफा ओदा चाचू करदा, किसी का दिफा ओदा फुफा करदा, लेकिन सहाबा की अजमत तो जग वार दिया, सहाबा की अजमत तो कुर्बान जावा, सहाबा के बारे को जबान दराजी करे, दिफा अर्श वाला रहमान करदा। अला इन्नहुम हुम सुफहाओ वला किल्ला यालमून। फरमाया खबरदार काफरो तुसी बेवकूफ हो, मेरे नबी दे सहाबा बेवकूफ नहीं, मैं ते उन्हां नूं बड़ियां अज़मतां अता कीतियां ने, मैं ते उन्हां नूं बड़ियां शानां अता कीतियां ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हां नूं किन्नियां शानां अता कीतियां, गौर करना तवज्जो करना। नबी पाक जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, नबी पाक फरमांदे ने जिस बंदे ने ईमान दी हालत अंदर मेरा मुखड़ा तकिया, ईमान दी हालत अंदर जिस बंदे ने मेरा चेहरा देखिया, अल्लाह अल्लाह केड़ा चेहरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा केड़ा चेहरा जिदे बारे मैं तारीफ करनी चाहना। इंज आखण नो ते सब जग सोना, तुहाडी मुहब्बत नहीं है लगदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा गज के पढ़ो सुभान अल्लाह। इंज आखण नो ते सब जग सोना, पर मेरे पीर जया सब जग सोना, पर मेरे पीर जया नहीं कोई। वेख के जिस दे नैन नशीले, वेख के जिस दे नैन नशीले, ते खलकत कमली हो सोना, ओदा नाम भी सोना, आप भी सोना, ओदा नाम भी सोना, ते सोना दिल दे तार हिलावे, ते दुश्मन दे लब जफिया दुश्मन दे लब जफिया पावन, जो नाम जुबान ते आवे जे नहीं एतबार ते कै मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जे नहीं एतबार ते कै मद आखे ते अजमावे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा मुस्तफा करीम दे गुलामो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक फरमांदे ने जिसने ईमान दी हालत अंदर मेरा चेहरा तकिया, मेरा मुखड़ा तकिया, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे नो जहन्नम दी अग तो दूर कर देंगे। फरमाया जिन्ने मेरे वेखण वाले नु वेखिया, जिन्ने सहाबी नु वेखिया, ओ लोगो सहाबा दी किन्नी अजमत है, सहाबा दी किन्नी शान है, सहाबा दा किन्ना मुकाम है। नबी पाक फरमांदे ने जिन्ने मेरे वेखण वाले नु वेखिया, सहाबी नु वेखिया, फरमाया सहाबी दा चेहरा वेखण दी वजह तो अल्लाह ऐसे बंदे नो जहन्नम दी अग तो दूर कर देंगे। अल्लाह अल्लाह सहाबा दी बड़ी अजमत है, सहाबा दी बड़ी शान है। आओ मैं शान दी एक गल होर सुनावा। नबी पाक जनाबे मुहम्मद
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, नबी पाक ने फरमाया आम बंदा ओद पहाड़ जिन्ना सोना अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करे, नबी दे सहाबा अद्धी मुद एक मुद गल्ला अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करन। यारो मुद किन्नू आखिया जांदा है? मुद जिहड़ा गल्ला मापण दा पैमाना हुंदा है ओनू मुद आखिया जांदा है। सही बुखारी ते मुस्लिम दी हदीस है, फरमाया वाला नसीफा हो, फरमाया उसका अद कर लिया जाए। फरमाया नबी दे सहाबा अल्लाह दे रस्ते अंदर अद्धा मुद गल्ला खर्च करन, आम बंदा ओद पहाड़ जिन्ना सोना अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करे। फरमाया सहाबा दी इन्नी अजमत है, सहाबा दी इन्नी शान है। फरमाया सहाबा दे अद्धा मुद गल्ले नूं इंसान नहीं पहुंच सकता। सिहाबी दी इन्नी अजमत है, सिहाबा दा इन्ना मुकाम है। कमली वाले ने कीता ए हुक्म जारी, कमली वाले ने कीता ए हुक्म जारी, मंदा बोले ना कोई असहाब ताई। कमली वाले ने कीता ए हुक्म जारी, मंदा बोले ना कोई असहाब ताई। ओहद बराबर भी सोना खर्च कर दे, कोई पहुंचे ना ओना दे सवाब ताई। मंदा बोले जो ओना हस्तियां नू, मंदा बोले जो ओना हस्तियां नू, जरूर पावेगा सख्त सदा ताई। करे अदब जो सब असहाब दा जी, अल्लाह खोलेगा जन्नत दे बाब ताई। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दी किन्नी अजमत है, सहाबा दी किन्नी शान है, सहाबा दा बड़ा उच्चा मौका। फरमाया नबी दे सहाबा अल्लाह अल्लाह जमीन ते चलन अल्लाह दा कुरान बन जाए। नबी पाक दे सहाबा रुकू करन अल्लाह राके होना खे। नबी पाक दे सहाबा कामयाबी दी सीढ़ी चढ़न अल्लाह कद अफलाहल मुमिन होना खे। नबी पाक दे सहाबा कामयाबी दी सीढ़ी चढ़न अल्लाह कद अफलाहल मुमिन होना खे। नबी पाक दे सहाबा अल्लाह अल्लाह रुकू करन अल्लाह राके होना खे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी किन्नी अजमत है, फरमाया कि ते अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमान ओलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का। अल्लाह अल्लाह कि ते अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमान ओ इबादुर रहमानिल लदीना यमशूना व इबादुर रहमानिल लदीना यमशूना अलल अर्दि हुना व इदा कालो सलामा। फरमाया नबी दे सहाबा जमीन ते चलण अल्लाह दा कुरान बन जाए। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा बैठण अल्लाह दा कुरान बन जाए। नबी दे सहाबा दी किन्नी अजमत है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला नो बयान करदे ने, आज दिन एक लश्कर जिहाद करेगा, एक लश्कर जिहाद करेगा, पूछा जाएगा इहदे अंदर नबी पाक दा को सहाबी है वे, दसिया जाएगा हाँ हाँ नबी दा सहाबी इस लश्कर अंदर मौजूद है। फरमाया सहाबा दे जिस्म मुबारक दी वजह तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस लश्कर नु फता अता कर देणगे। सहाबा दी इन्नी अजमत है, सहाबा दी इन्नी शान। गौर करना, तवज्जो करना, मुस्तफा करीम दे गुलामो, फिर पूछा जाएगा क्या किसे लश्कर अंदर अल्लाह अकबर ताबी है वे, जिन्हें सहाबी दा मुखड़ा वेखे है, जिन्हें सहाबी दा चेहरा वेखे है। और माया ताबी बोल के कहेगा हाँ हाँ ताबी है वे। और माया अल्लाह रब्बुल आलमीन उस लश्कर नो फता अता कर देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दी किन्नी अजमत है। यारो जिहड़ा बंदा सहाबा दी गुस्ताखी कर दे, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे नू दुनिया ते जलील कर देंदे ने, अल्लाह उन्हां नू दुनिया ते रुसवा कर देंदे ने। अल्लाह अल्लाह फरमाया वल्लदीन युदूनल मुम
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. फरमाया जिन्ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ते मोमन मर्द ते मोमन औरतां ते जिन्ना ने उन्हां ते कोई बगैर कसूर दी वजह तो उन्हां ते को अल्जाम लगाया, फरमाया उन्हां लोगां ने अपने कंधियां ते गुनाह दा बहुत बड़ा पहाड़ उठा ले, गुनाह दा बहुत बड़ा पहाड़ उठा ले। यारो हसन हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला नो नबी पाक दे नवा से ने नबी पाक दे प्यारे सहाबी ने नबी पाक दे नवासे ने इन्ना दी बड़ी असमत इन्ना दी बड़ी शान है। यारो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना दा दिन रात चेहरा चुमिया कर दे ने। अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बेईमान ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला नो दी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला नो दे चेहरे दी गुस्ताखी कीती है, छड़ी लगा के हजरत हुसैन दे चेहरे दी अल्लाह अकबर गुस्ताखी कीती है। यारो केड़ा हुसैन दा चेहरा जिहड़ा नबी पाक चुमिया करदे ने दिन रात चुमिया करदे ने। अल्लाह अल्लाह हजरत हसन हुसैन दी बड़ी अजमत है रज़ी अल्लाह तआला नो नबी पाक अपने सहाबा दे नाल ने चलदे जा रहे ते नबी पाक अपनी बेटी दे घर दे कोलों दी गुजरे ने अपने बेटी दे कर दे कोलों दी गुदरे हसन हुसैन दे रोड़ दिया आवादारियां ने। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा ठहर जाओ रुक जाओ मेरे नवासियां दे रोड़ दिया आवाजारियां ने। नबी पाक गए ने जाके पुछिया मेरी बेटी दस ए मेरे नवासे क्यों रो रहे ने मेरे नवासे क्यों रो रहे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो उन्हां दी बेटी हजरत फातिमा तो जहरा मेरी तुहाडी अम्मा जान बयान कर दियां ने दियां ने मैं मेरे अब्बा जान इन्हां नवासियां नूं भुख बड़ी लगी है इन्हां मेरे बेटियां नूं प्यास बड़ी लगी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा नूं आखिया मेरे सहाबा किसे कोल खाण वास्ते है ते पेश करो या पीण वास्ते है ते पेश करो। अल्लाह अकबर मैं कुर्बान जावा मुस्तफा करीम दे गुलामो गौर करदे जाणा सहाबा दे कोलों पुछिया सहाबा ने आखिया सोनिया ना खाण वास्ते कुजे ना पीण वास्ते कुजे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन नूं पकड़िया ते सीने नाल लाया तवज्जो करना मुसनद अहमद दी हदीस है हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन नूं पकड़िया सीने नाल लाया हजरत हसन चुप ना कीते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी जी जुबान हजरत हसन दे मुंह अंदर डाल दी है। अल्लाह अल्लाह हजरत हसन ने रज़ी अल्लाह तआला नो ने नबी पाक दी जुबान चूसी अल्लाह अकबर अल्लाह पाक ने अल्लाह अकबर अल्लाह पाक ने हजरत हसन दी भुख भी दूर कर दी ते प्यास भी दूर कर दी। अल्लाह अल्लाह नबी पाक दी जुबान केड़ी जुबान माशाल्लाह अहलो व सहलो मरहबा महबूबे अवाम हजरत मौलाना हाफज अब्दुल हक हकानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। बस हुण चंद मिनट मैं अपनी बात खत्म करना चाहना तवज्जो करना नबी पाक दी जुबान केड़ी जुबान तवज्जो मेरी तरफ नबी पाक दी जुबान कड़वे कुएं दे अंदर पए अल्लाह मिठिया कर दे। नबी पाक दी जुबान जाबर दी हांडी अंदर नबी पाक दा लवा पै अल्लाह बरकता अता फरमा दे और नबी पाक दा लवाब जिहड़ा चूसिया ना हजरत हसन ने वह लवाब कड़वे कुएं दे अंदर पै अल्लाह मिठियां कर दे। अल्लाह अल्लाह वह केड़ी प्यारी जुबान है जदों वह जुबान खोल दिए तो कुरान बन जाता है। और माया वन नजमी इदा हवा सल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिको अनिल हवा
ਲਿਖ ਕੇ ਪੜੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਪੜੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਫੁੱਲ ਖੇੜੇ ਦੇ ਜੋ ਲੱਭ ਖੋਲੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਬੋਲੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਬੋਲੇ ਆਇਆ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਭੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਭੀਆਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਤੁਮ ਬਹਿ ਗਈ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਤੁਮ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹ ਲਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਡਾਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੂਸੀਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਪਿਆਸ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕੀਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਦਿੱਤੀ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਲੁਆਬ ਚੂਸਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਲੁਆਬ ਚੂਸਿਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਪਿਆਸ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਯਾਰੋ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋ ਫੁੱਲ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋ ਫੁੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘਣੀ ਹੋਏ ਕੋ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ਬਾ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘਦੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘਣੀ ਹੋਏ ਕੋ ਕਲੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘਦੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਫੁੱਲ ਨੇ ਦੋ ਫੁੱਲ ਨੇ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਏ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਾਮਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਮਤ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਇੰਜ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਵਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਬੜਾ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਤੇ ਠੇੜਾ ਲੱਗ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੋ ਸਿਹਾਬਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ ਦੂਸਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਲੈਟ ਚਮਕੀ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵਾਸੇ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੁਸਤਾ
गुस्ताखी की है। अल्लाह ने बड़ा निशान बना दिता है। अबैदुल्ला इब्ने ज़ियादी जो गर्दन कटी ते कूफे दी जामिया मस्जिद अंदर लिया के रखी है। रमाया के तेज तराद सप आए, तेज तराद सप आए, सारिया गर्दना फैलांगदा होया किसे नु कुछ नहीं किया। जिहड़ा अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद बेईमान है, फरमाया इहदे नक अंदर आण के दाखल हो जांदा है। सप इहदे नक अंदर आण के दाखल हो गया, काफ़ी देर दाखिल रहा, फिर गैब हो गया, फिर आया, फिर दाखिल हो गया, काफ़ी देर दाखिल, हत्ता के तीन दफा ये मामला पेश आया। और यारो जेड़ा नबी दे सहाबा की गुस्ताखी करता है, अल्लाह दुनिया ते उन्हां लोगां नूं इबरत का निशान बना देंदा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, आखिरी गल सुना के बाद खत्म करा। नबी पाक जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दी बड़ी अजमत है, इन्हां दी जिहड़ा गुस्ताखी करदा है। फरमाया अल्लाह दुनिया ते जलील कर देंदा है, अल्लाह दुनिया ते इबरत दा निशान बना देंदा है। हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु तआला नो नबी पाक दे सहाबी ने एक औरत ने इन्हां ते इल्जाम लगाया। इल्जाम की लगाया, आख दिए अल्लाहु अकबर, मरवान बिन हकम दा दौरे खिलाफ जाके अदालत अंदर कहंदी है सईद बिन ज़ैद ने मेरी जमीन ते कब्जा कर लिया। अल्लाहु अकबर, हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु तआला नो मरवान बिन हकम ने अदालत अंदर बुलाया, पूछया क्या सईद ऐ औरत की कहंदी है। आखदी सईद ने मेरी जमीन ते कब्जा कर ले। हजरत सईद बिन ज़ैद कहंदे ने, आखदे ने मरवान गल सुन, असी होइए नबी दे तालिब हो, ये नबी दे सहाबी हो वे साडा उस्ताद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए किवें हो सकदा है साडी होवे नबी पाक दी तरबियत ते मैं दी जमीन ते कब्जा कर लां। जदों उन्हां ने सुनिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी की कहंदा है, आखदा है नबी पाक ने फरमाया मन आखदा शिबरम मिनल अर्द ज़ुल्मन। फरमाया जिस बंदे ने किसी दी एक गेठ जमीन ते कब्जा किया, फरमाया सत्ता जमीना दा तौक पैना करके अल्लाह उन्ना लोगों नू जहन्नम रसीद कर देंगे। यारो एक गेठ नहीं, इत्थे ते पलाटां दे पलाट खादे जा रहे ने। अल्लाह अकबर, अदालतां दे अंदर झूठे कुरान चुक के पलाट गबद किते जा रहे ने। ना ना मेरे अदीज दोस्तों, गौर करना जिहड़ी गल मैं दसनी चाहना। मरवान ने जो इन्नी गलत इन्नी गल सुनी, हजरत सईद बिन ज़ैद नो बरी करार दे दिता है। आखदा जा जा तू सच्चा है। हजरत सईद बिन ज़ैद जदों अदालत दे बाहर आए ने, देखिया उस औरत ने अल्लाह पाक दे कोलों तौबा नहीं की थी। फरमाया हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु तआला नो ने आसमान वल निगाहां उठाइया, हाथ उठाए ने, दो दुआवां कीतियां, आखिया अल्लाहुम्मा इनकानत का दिबा, इनकानत का दिबा। अल्लाह सोने इस औरत ने मेरे ते झूठा इल्जाम लगाए, अल्लाह इनू अखा तो अन्या कर दे, अल्लाह इहदे घर दे अंदर इहदी कबर बना दे। यारो नबी दे सहाबी दियां बद्दुआवां अल्लाह ने कबूल कर लिया। इहो जिहड़ी औरत है, मैं अपनियां मावां भैणां नूं दावत देनी चाहना, नहीं मेरी ओ माओ भैणो किसे ते इल्जाम नहीं लगाना, झूठा इल्जाम नहीं लगाना। देखो इस औरत दा अल्लाहु अकबर की अंजाम होण लग्या। एक बदबख्त औरत ने नबी दे सहाबा दी गुस्ताखी की, अल्लाह ने उस औरत नो दुनिया ते जलील कर दिता है। अल्लाह अल्लाह ए भी औरत है, इनू भी अल्लाह जलील कर लग्या। यारो नबी दे सहाबी दियां दोवें बददुआवां अल्लाह ने कबूल कर लिया। आखे अल्लाह जिदों ए औरत बुढ़ापे अंदर पहुंचे, अल्लाह सोणिया इनू अखां तो अन्या कर दे। ए जिहड़ी औरत बुढ़ापे अंदर पहुंची, अखां तो नबीनी हो गई ते अपने घर दे अंदर सैर पे कर दिए। सैर कर दिया कर दिया इहदे घर दे अंदर एक कुआं आए, कुएं दे अंदर गिर गई,
फरमाया सहाबी दिया दोवे बदुआवां कबूल हो गई, अखा तू नबी नीवी हो गई, अपने घर के अंदर कूह अंदर गिरी है, ओदी कबर बन गई है। फरमाया उन्हों घर के अंदरों किसी ने कूए के अंदरों निकालिया नहीं। फरमाया अल्लाह पाक ने उस औरत नो दुनिया ते इबरत दा निशान बना दिता है। ओ मेरे अजीज दोस्तों, आओ सिहाबा दी असमत नो पहचानिए। सिहाबा बड़िया अजमतां वाले ने, सिहाबा दे दिफा वास्ते निकलो। सिहाबा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बड़िया अजमतां वाले, अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो बड़िया अजमतां वाले, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बड़िया अजमतां वाले। ए फैसलाबाद दे कोल ना एक जाकर बेईमान गुफ्तगू करे, गुफ्तगू करदा करदा कहिंदा है मजलसे सकीफा के हामी ना बनो और उमर जैसे हरामी ना बनो। ना उस बिल्ला हजरात एक गल्ला रिकॉर्ड है, मैं सुना सकना, तवज्जो करना, गौर करना। इथों तक बकवास कर देने सिहाबा दे बारे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला नो दी बड़ी असमत है। तो मैं यारो आखिरी गल, तो मैं यारो मुबारक हो उमर बने खताबाया, तो मैं यारो मुबारक हो उमर बने खताबाया, वो आया है तो आने दो बिछा दो पल के राहों पर, वो आया है तो आने दो बिछा दो पल के राहों पर, वो पहला शक निगाहों पर, वो आया है तो आने दो हमारी दुआओं का जवाब आया, तो मैं यारो मुबारक हो उमर बने खताबाया। अल्लाह सुनो नबी दे सिहाबा दी असमत नो पहचानन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सिहाबा दे दिफा वास्ते खड़े हो जाया करो, जिथे सिहाबा दे बारे को मंदा बोले ना, सिहाबा दे दिवा वास्ते बोलिया करो। अल्लाह दुनिया ते भी इज्जत अता करेगा, आखिरत नू भी अल्लाह इज्जत अता करेगा। आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।